आज आपण नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात आलेले आहोत. मुस्लिम समाज हा नेहमी काँग्रेसलाही मतदान करतो. आज मुस्लिम समाजाचा आपण चर्चा करणार आहात. अभी नाही तो कभी नाही या कार्यक्रमात आपला स्वागत आहे. खुदबेनगर चौरस्ता आहेत, या उत्तर भागात आहेत. उत्तर भागातले आपण मतदारांना विचारणार आहोत की काँग्रेसनं मुस्लिम उमेदवारी दिलीच पाहिजे का नाही. न्यावे नांदेड में ऐसा कई जमाने से मुसलमान समाज कांग्रेस को वोट करते हुए आया है और मुस्लिम समाज को सिर्फ महापौर के सिवा कोई अहदा नहीं दिएगा. इस बारी को दक्षिण उत्तर में तो डीपी सावंत तय हो गए, दक्षिण अभी बाकी है. दक्षिण मतदार संघ में मुस्लिम अगर से नुमाइंदा देते हैं तो वो उसको कैसा रहेगा, आपका क्या सोच है? हमारे को जो है कांग्रेस पार्टियाँ 40 साल से हमने लोकसभा में विधानसभा में हमने आज तक भी कांग्रेस को वोट देते हुए आया और हमको अशोक राव हमेशा आश्वासन देते थे कि मैं जो है मुसलमान को टिकट दूंगा. हमारे कुछ ऐसे मुसलमान के जो है टिकट भी मांगे अशोक राव साहब को और अशोक राव साहब ने हमको आज तक भी जो है ग्लूकोज बिस्किट दिया है, वो भी कंपनी बीजेपी ने बंद कर दी. और हमको जो है हमारा ये समाज का बोलना है, मुस्लिम समाज का पूरा बोलना है कि भाई हमारे को जो है दक्षिण से हमारे मुस्लिम समाज जितने भी है बोलना है कि हमको दक्षिण से जो है कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए. हमारे जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पास भी दानिश्वर है, बड़े बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं और जो है कांग्रेस को हम विधानसभा लोकसभा और आने वाले नगर पालिका में भी हमने जो है कांग्रेस को बहुमत दिया है. और हम कांग्रेस से ये डिमांड करते हैं कि हमको मुस्लिम चेहरा हमको दक्षिण के अंदर मुस्लिम चेहरा होना चाहिए. अगर हमको कांग्रेस अगर मुस्लिम चेहरे को अगर नहीं दी, अगर टिकट नहीं दी तो कांग्रेस को आने वाले लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा. और मुस्लिम वोट जो है ये आज MIM हो या चाहे कोई भी पार्टी हो आज उसका फ़ायदा उठा रही है. ये अशोक राव साहब को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुसलमान को जो है हमेशा अशोक राव साहब ने चॉकलेट दिया है. ये मुस्लिम समाज का बोलना है कि जो है हमेशा इन्होंने हमको बोलते हैं कि हम तुम टिकट देंगे, हम तुमको MLC बनाएंगे. इन्होंने हमको कभी MLC दिया नहीं है, हमको कभी इन्होंने टिकट दिया नहीं है. खाली इन्होंने जो है हमारे मसूद सेठ हो, 1700 इनको बुलाते हैं, बुला के बोलते हैं कि भाई तुम आपस में एक हो, तुम आपस में हो, मैं तुमको टिकट देता हूँ. हमको सिवा चॉकलेट के अशोक राव साहब ने हमको सिवा चॉकलेट के कुछ भी नहीं दिया. ये मुसलमान का जो पूरे एक ऐसी बोली जाता है, अशोक चव्हाण के बोलना है कि नांदेड़ में अगर से मैं मुस्लिम को उम्मीदवारी दे सकता हूँ तो हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, कहाँ तक सही है ये जो है हम मुसलमान समाज आज तक हिंदुओं को वोट देता है कि नहीं है. ये अशोक राव साहब ने ये नहीं सोचना, अशोक राव साहब ने ये सोचना चाहिए कि भाई मैं हिंदू वोट इनको दिलाऊँ, मैं मुसलमान को वोट दिलाऊँ, हम दिलाना चाहिए. क्यों तो मुस्लिम समाज आज तक भी कांग्रेस को वोट देते हुए आया और मुसलमान के तरफ से जो है साहब 2014 के अंदर हमने जो इतनी बड़ी मोदी की लहर चली थी वो मोदी की लहर के अंदर हमने अशोक राव साहब को वहाँ पे खासदार बनाया था. और जो है हमने अभी भी 2019 के अंदर अशोक राव साहब को जो है हमने इतना 2,10,000 हमने वोट दिए. अभी अगर से नहीं देते हैं कांग्रेस तो आप डीपी सावन इधर से उत्तर से ठहरे हुए, आज अपन उत्तर मतदार संघ हाँ है तो यहाँ पर क्या रहेगा लोगों का? यहाँ पे जो है मुसलमानों में इतनी जो है अगर अशोक राव ने जो है अगर टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अगर उत्तर दक्षिण से अगर टिकट नहीं दिया है तो कांग्रेस को नांदेड़ में तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा डीपी सावंत साहब को भी और कांग्रेस को भी. महाराष्ट्र के अंदर ये महाराष्ट्र के अंदर पूरी चर्चा है कि जो है मुसलमानों को नांदेड़ शहर के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मुसलमान यहाँ पे ताकत रखते हैं, सिवा महापौर के कांग्रेस ने और अशोक राव ने हमको सिवा चॉकलेट दिया है, यहाँ पे कभी टिकट नहीं दिया. जब भी असद साहब यहाँ पे आते हैं नांदेड़ को अशोक असद साहब बोलते हैं कि भाई मुसलमान को दिया क्या दिया, तो ये जो है अशोक राव साहब ने ये सोचना चाहिए कि मुसलमान को जो है दक्षिण से टिकट दे के और नहीं तो इसके परिणाम यहाँ पे गंभीर भुगतना पड़ेगा और डीपी सावंत साहब को यहाँ पे उत्तर के अंदर गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा. मैं कांग्रेस से ये डिमांड करता हूँ, मैं अशोक राव साहब से डिमांड करता हूँ कि आपसे विनंती भी करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ मेरे तरफ से और हमारी पूरे कौम के तरफ से और हमारे कौम के तरफ से कि जो सोच के हमारे को जो दक्षिण में टिकट देना चाहिए. क्या लगता है तुम्हारे को क्या लगता है कि टिकट मुसलमान मुसलमान को चाहिए?
टिकट दानेश्वर मुसलमान ही चाहिए। मुसलमान को टिकट देती है कांग्रेस, सुन क्या आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। देती है नांदेड में टिकट मुसलमान को आमदार का, इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी, कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है आगे चल के। मतलब एमआईएम पार्टी का जो भी है किसी का फायदा होगा चलेगा चलेगा, मगर कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देना चाहिए मुसलमान आ सकती ना चुनके चाचा, नांदेड़ के अंदर मुस्लिम समाज का आमदार आज तक नहीं बनाएगा और सिर्फ एमएलसी दे तो बोल के बोलेगा, एमएलसी भी नहीं दी गई और कुछ भी नहीं दिए गई थोड़ा। आज तुमको क्या लगता है आपको कांग्रेस देना बोलना देना है मुसलमान का नुमाइंदा चुन के आप कांग्रेस को वोट करते हुए अगर से नहीं दिए तो क्या करेंगे? कांग्रेस ने टिकट नहीं दी मुसलमान को तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं। अभी तुम्हें क्या लगता है? हम अच्छे आदमी को वोट डालेंगे जो अच्छा मोहल्ले का काम करता, जो हम मुसलमान को टिकट देंगी, नहीं दी तो क्या करेंगे? कांग्रेस का अगर टिकट अगर हमारे आदमी को मिला तो वोट डालेंगे हम, नहीं तो हम कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, खत्म बात। इधर आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल हिंग